हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये जो आने वाले 7 डेज हैं या नेक्स्ट 7 डेज जो रहेंगे, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और डिवाइन आपको इन 7 डेज के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, हम सब देखने वाले हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, उसके आगे आने वाले जो 7 डेज होंगे उन पर ये वीडियो अप्लाई होगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। पाइसेस, नेक्स्ट 7 डेज। नहीं भैया, एक एक करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन। डोर टू रोमांस है यहाँ पे, क्लियरिंग कनेक्शन भी दिखा था, राइट। हीलर ऑफ द एजेस। तो फर्स्ट कार्ड है वाओ, डोर टू वैल्यू, ब्यूटिफुल। वाओ, हैप्पी फैमिली, ब्यूटिफुल। और यहाँ पर है एप्रिसिएशन, वाओ, ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। द वर्ल्ड, थैंक यू। थ्री ऑफ वांड्स, ओके। Five of Pentacles, Nine of Cups, देखिए माई डियर, ये कार्ड तो मुझे देखना ही नहीं है। इतने ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं। लेकिन यस, ये थोड़ा सा एक आपको मैसेज दे रहा है, वो भी मैं दूंगी, ठीक है। क्योंकि टैरो में कोई भी कार्ड दिखाई देना या ना, कोइंसिडेंस नहीं होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 7 डेज रहने वाले हैं आपके, अब तक के बहुत ही बेहतरीन दिनों में से रहने वाले हैं पाइसेस। पहले तो सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो दिन आ रहे हैं ना आपके, ये जो 7 दिन आ रहे हैं 7 डेज़ की जो एनर्जी से, देखिए थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में भी होता है एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट। ग्रैटिट्यूड में रहिए, ठीक है। उन एनर्जीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड में रहना सीखने की ज़रूरत है आपको पाइसेस। थैंक यू बोलने की ज़रूरत है डिवाइन को,
ताकि ये जो खुशियां हैं ना आपकी लाइफ में ये मल्टीप्लाई हो पाएं, ठीक है? डिवाइन को भी लगे, मे बी ये जो 7 डेज इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं, डिवाइन आपको चेक कर रहे हैं कि ओके, देखते हैं अगर पाइसेस को इतनी अच्छी खुशियां दी जाती हैं, इतनी बेहतरीन खुशियां दी जाती हैं, तो इतनी ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, तो आगे से उनका क्या एटीट्यूड रहता है। वो वही वाला जो मैं हर बार, मतलब स्टार्टिंग में बताती थी ना, वो टॉफ़ी वाला कि एक टॉफ़ी दी किसी एक बच्चे को, तो उसने बिल्कुल भी सॉरी, एक टॉफ़ी का पैकेट आपने एक बच्चे को दिया और उसने थैंक यू भी नहीं बोला। और एक बच्चे को आपने एक टॉफ़ी दी और उसने इतना थैंक यू बोला, तो नेक्स्ट टाइम आप किसे टॉफ़ी देना पसंद करोगे? वो पैकेट जिसको दिया था, जिसने आपको थैंक यू भी नहीं बोला, या जिसको एक आपने टॉफ़ी दी थी आप उसको देना दोगे, जिसने आपको कितना थैंक यू बोला सिर्फ एक टॉफ़ी के लिए, आप नेक्स्ट टाइम सोचोगे कि उसको पूरा एक पैकेट दो क्योंकि उसने इतना वो थैंकफुल रहा है मेरे लिए। तो यही डिवाइन के साथ भी रहता है, राइट? तो इस मैं कहूँगी कि डिवाइन ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं और ये खुशियाँ जो आपको आ रही हैं ना, आपको चेक करने के लिए आ रही हैं। डिवाइन मुझे बोल रहे हैं कि देखते हैं पाइसेस कितना थैंकफुल एनर्जीज में रहते हैं। अप्रिशिएट करते हो कि नहीं करते हो डिवाइन को? थैंक यू बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहते हो कि नहीं रहते हो? ठीक है, अगर नहीं रहोगे तो फिर ये टेम्परेरी हो जाएंगी, राइट? 7 डेज के बाद फिर चली जाएंगी। और अगर आप अप्रिशिएट करते हो, थैंकफुल रहते हो, ग्रैटिट्यूड में रहते हो, इस एनर्जीज की वाकई में कीमत को समझते हो, तो ये परमानेंट होंगी, राइट? क्योंकि बहुत खुशियाँ मिल रही हैं आपके लिए, चाहे रिलेशनशिप कहें, चाहे फाइनेंसेस कहें आपके, चाहे करियर कहें हम, चाहे हेल्थ की बात करें, ठीक है? सब कुछ बहुत बेहतरीन हो रहा है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ल्ड की एनर्जीज है ना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग में आई है। ये वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है? ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी, ठीक है? आप एक बहुत ही सेफ एक एनर्जीज में हो, सेफ आप चल रहे हो, ठीक है? डिवाइन की सेफ्टी में हो आप, डिवाइन के अंडर हो आप, राइट? तो आपके साथ तो बुरा कुछ पहली बात तो हो नहीं सकता इस मोमेंट पर, ठीक है? लेकिन आपको उस एनर्जीज को फील करना है कि यस, मैं डिवाइन के साथ, डिवाइन मेरे साथ हैं, मैं उनकी प्रोटेक्शन में हूँ, इसीलिए मैं ये ब्लेसिंग्स रिसीव कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ डिवाइन का हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल के लिए, और मैं उनको शुक्राना बोलता हूँ, ठीक है? तो आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो चैलेंज आ रहा है ना, क्यों आ रहा है ये चैलेंज, किस लिए आ रहा है? क्या आप अपने आप को अहमियत नहीं देते, या अपने आप को इतनी वैल्यू नहीं करते कि डिवाइन आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप मतलब वैल्यू नहीं है उस चीज़ की? तो ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर के, राइट? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वैल्यू कीजिए, थैंकफुल रहिए डिवाइन के लिए। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ ढेर सारी ब्लेसिंग्स ये मल्टीप्लाई होकर के आएंगी और आगे बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, ठीक है? यहाँ पर अगर आपकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स की एनर्जीज हैं, बहुत सारी ग्रोथ, आप ग्रोथ के लिए बिल्कुल रेडी हो, आप सक्सेस के लिए बिल्कुल रेडी हो पाइसेस, ठीक है? डोर टू वैल्यू अ कार्ड है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। एक मैं कहूँगी जैसे कहते हैं ना कि किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए, राह बन रही है आगे, अभी वो चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, मनी है, कुछ भी है, ठीक है? बस आपको आपको ना उस चीज़ को पिक करना है, उसको वैल्यू करना है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब आप किस नज़रिए में देख रहे हो, अब आप कैसी एटीट्यूड में हो, कैसी एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, क्या आप उसकी तरफ देख रहे हो, क्या आप ऐसे थॉट्स लेकर के आ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हीनो कप्स है ना, ये क्या बताता है? ओवर थिंकिंग किस चीज़ की? नेगेटिव थिंकिंग की, बिना बात की चिंता करना, पुरानी बातों के बारे में सोचना, जो चीज़ें सर्व नहीं करी, जो रिलेशनशिप सर्व नहीं करे, किसी ने आपको कोई बात कह दी थी या कुछ आपके साथ हो गया था, बिना बात की टेंशन लेकर के बैठना और उसी के बारे में सोचते रहना। अब उससे क्या होगा? उससे तो नेगेटिविटी को ही आप अट्रैक्ट करोगे, है ना? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करो। किंग क्या करता है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है ना, और वो बस फोकस्ड रहता है अपने काम की तरफ। उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे लहरों को अगर देखेंगे ना, बहुत तहलका मचा हुआ है लहरों में, स्टेबल नहीं है लहरें, लेकिन क्योंकि ये बहुत ग्राउंडेड है, ठीक है, और ये इसने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो इसकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं वो उन्हें ग्रैब भी कर रहा है। तो आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, ठीक है, आपकी लाइफ की बात नहीं कहूँगी, आपके मन में जो भी चल रहा हो बेसिकली, ठीक है,
उसको किनारे कर दो, उन इमोशंस को कंट्रोल में रखो, अपने आप को बैलेंस रखो, ताकि ये जो इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं ना, उन्हें आप ग्रैब कर पाओ। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगी। अभी ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया ऑफ़र आपको मिल सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, या कहीं आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, या कहीं से आपको मनी प्राप्त हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो ये है जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी, मुझे आई डोंट नो बहुत ज़्यादा ना मनी गेन होता हुआ मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। बस आपको उस अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस करना है, आपको बोला जा रहा है बस अपने थॉट्स, अपने माइंड को ओपन रखिए, राइट, और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, ठीक है, ताकि आपका पूरा फोकस इन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाए। और यहाँ पर है हैप्पी फैमिली, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है, जो कि क्या बता रहा है कि आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप, ठीक है, उसमें बैलेंस आ रहा है, बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, राइट। और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यार आप लोगों का बढ़ रहा है, फैमिली में बहुत प्यार एक दूसरे के साथ, बहुत प्यार बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी कम्युनिकेशन की वेट भी कर रहे थे ना, वो भी मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पर एक राइट पर्सन की वेट कर रहे थे, उनकी लाइफ में कोई राइट पर्सन आ सकता है या आ सकती हैं, मेरे पास दोनों मैसेजेस हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए ही। लेकिन अगेन बोलूँगी मैं, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, माय डियर, पास्ट की जो भी चीज़ें रही हैं आपके, जो भी रिलेशनशिप रहे हैं या जो भी चीज़ें रही है, प्लीज़ ओवर थिंक मत करो, उनकी तरफ फोकस मत करो, उन चीज़ों की तरफ मत देखो, उन इमोशंस की तरफ जो लाइफ में घटित हुआ नेगेटिव, उन्हें निकाल दो बाहर, ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल, बैलेंस करो और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ फोकस करो, तभी आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। अप्रिसिएशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ना आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। पाइसेस बहुत ही ब्यूटीफुल आप लगने वाले हो, और जो भी आप काम करने वाले हो ना, ठीक है, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप काम करने वाले हो, आपको सराहा बहुत जाएगा, ठीक है। आपके काम को, आपका काम बहुत फोकस में रहने वाला है, लोग तारीफ बहुत करने वाले हैं आपके काम की भी और आपकी भी, आपके लुक्स की भी, आपके बहुत ही ब्यूटीफुल आप बहुत बनने वाले हो, ठीक है। नेचर के साथ आपका कनेक्शन बहुत बनने वाला है, बहुत ही ग्रेसफुल एनर्जीज़ में आप आ रहे हो, बेसिकली बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज आ रही हैं। और मुझे कुछ यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, जो पाइसेस यहाँ पर वेट अपना लूज़ करना चाह रहे थे, एक मैं कहूँगी परफेक्ट बॉडी अपने लिए चाह रहे थे, तो वो भी वो अचीव करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर मैं कहूँ, अभी तक अगर आपने कुछ स्टार्ट नहीं करा था, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। जो भी आप योगा एक्सरसाइज हैं, जो भी कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो, वो कर डालो, क्योंकि उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वक्त आप ना, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहने वाली है, डिवाइन के साथ कनेक्शन भी आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, डिवाइन कह रहे हैं मेडिटेट करो, ठीक है, और हेल्दी डाइट को फॉलो करो, थोड़ा सा ना हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर हेल्थ का कार्ड भी है यहाँ पर, जो कि मुझे और कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ हेल्थ के लिए मेन मैसेज मुझे यहाँ पर दे रहा है, मेरा फोकस यहीं पे गया है। अगर आप ड्राइव करते हो ना, थोड़ा केयरफुल होकर के ड्राइव कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई आपको रास्ते में कोई हैंडीकैप पर्सन दिख जाए, ठीक है, या फिर कोई भी इस तरीके का पर्सन दिख जाए, कोई ब्लाइंड हो, हैंडीकैप हो, कि जिसको नीड हो, ठीक है। अच्छा, ये ना किसी पर्सन पे भी अप्लाई हो सकती है बात, या फिर ये कोई बर्ड एनिमल कोई भी हो, प्लीज़ उस उतर करके ना थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दीजिएगा। अगर आप उसको देखें कि किसी ऐसी सिचुएशन में है, तो उसकी मदद करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। कहने का मतलब है, कंपैशनेट एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके फेस का ग्लो यहाँ पे बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। आपको ना मतलब ये जो चेंज, ये शिफ्ट, ये जो आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ लोगों को उनके लुक्स, उनकी बॉडी, उनके ग्लो की वजह से उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आप लाइमलाइट में आ रहे हो, कुछ लोगों के उनके काम की वजह से सराहा जा रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए, दोनों के लिए, दोनों तरह से यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी पाइसिस, ग्रैटिट्यूड में रहिए, ब्लेसिंग्स, ठीक है, ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो, और इन ब्लेसिंग्स को ना जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो, ये ध्यान रखिए, रिसीव कर रहे हो तो देना भी सीखो, चैरिटी डोनेट करना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देख कर, संभल कर, जो ज़रूरतमंद वाकई में हो, जो आपकी चीज़ों का या जो भी आप डोनेट कर रहे हो उसका गलत फ़ायदा ना उठाए, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रख कर के आपको डोनेट करना है, चैरिटी करनी है,
तो ये आपको ज़रूर करना है ताकि ब्लेसिंग्स डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल हो, 1000 टाइम हो, आगे बढ़े। और ग्रैटिट्यूड, बस ये वर्ड तो मुझे, ये वर्ड कार्ड से सिर्फ मुझे एक ही चीज़ मिल रही है, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है ना, ये ब्यूटीफुल चेंज एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना पाइसिस यहाँ पे ये भी है, मे बी आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं कहीं, ठीक है, कहीं मूवमेंट हो रही है, या फिर आप काम के सिलसिले से कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो अप्रिशिएट कीजिए उस चेंज को। वो मत कीजिए कि नहीं मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, या मुझे ये शिफ्टिंग नहीं चाहिए, या मुझे ये ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, मतलब उसके नेगेटिव मत हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली वो ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, आपको अप्रिशिएट करना है, उसके साथ ही रहना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है, ये फॉर श्योर है। ये 7 डेज बहुत ब्यूटीफुल रहने वाले हैं। तो ये स्पाइसेस, ये थी ब्यूटीफुल रीडिंग आपकी। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, इंसाइट्स मिले हो। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।